बात अब जामा मस्जिद में हुए दो रोज़ा ऑल इंडिया दीनी तकरीरी मुकाबलों की। अंजुमन सीरत उन नबी के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद पर दीनी तकरीरी मुकाबलों का आयोजन किया गया। इन मुकाबलों में देश भर के मदारिसों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों ने अरबी में जहां तकरीरें कहीं वहीं नात पाक भी सुनाई गई। मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले तालिब इल्मों को पुरस्कार देकर उनकी अंजुमन सीरतुलनबी के सदर सैयद असलूब हुसैन जैदी द्वारा हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर अंजुमन सीरतुलनबी के सदर सैयद असलूब हुसैन जैदी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि तालिब इल्मों के हौसले बुलंद रहें। उन्होंने अंजुमन को हर तरह के सहयोग की बात भी कही। इस मौके पर जामा मस्जिद सहित दूर दराज से आए तालिब इल्मों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अफसर परवेज ने किया। अंजुमन सीरत उन नबी के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद पर दीनी तकरीरी मुकाबलों का आयोजन किया गया। इन मुकाबलों में देश भर के मदारिसों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों ने अरबी में जहां तकरीरें कहीं वहीं नात पाक भी सुनाई गई। मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले तालिब इल्मों को पुरस्कार देकर उनकी अंजुमन सीरत उन नबी के सदर सैयद असलूब हुसैन जैदी द्वारा हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर अंजुमन सीरतुल नबी के सदर सैयद असलूब हुसैन जैदी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि तालिबे इल्मों के हौसले बुलंद रहें। उन्होंने अंजुमन को हर तरह के सहयोग की बात भी कही। इस मौके पर जामा मस्जिद सहित दूर दराज से आए तालिबे इल्मों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अफसर परवेज ने किया।